देखो ध्यान दो बच्चों, सेकंड क्वेश्चन करते हैं। देखो बिल्कुल वही क्वेश्चन है सेकंड भी, जो भी हमने फर्स्ट किया था बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या है, e की पावर 5x डिवाइड बाई e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x dx, है ना। देखो जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था e की पावर माइनस x को 1/e की पावर x लिखा था, बिल्कुल यहाँ पर वही चीज़ है, e की पावर 5x अपॉन e की पावर x प्लस 1/ e की पावर x और dx, ध्यान दीजिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या होगा कि e की पावर x एलसीएम लेंगे तो e की पावर 6x और e की पावर 2x प्लस 1 और dx हो जाएगा, है ना। e की पावर x को एलसीएम लिया, है ना, और अपॉन में e की पावर x आएगा, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं, बोलो। अब देखो फिर वही है कि ऊपर e की पावर 6 है, नीचे e की पावर 2x है। देखो हम क्या करेंगे, e की पावर 2x प्लस 1 को t ले लेंगे, ध्यान दो, है ना। डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, e की पावर 2x इंटू 2, 1 का 0 और dt टी वाई डी एक्स, e की पावर 2x इंटू डी एक्स बराबर हो जाएगा dt टी वाई 2। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन चेंज हो करके इसको ऐसे लिखेंगे, e की पावर 4x इंटू e की पावर 2x अपॉन e की पावर 2x प्लस 1 और dx, है ना, ऐसे इसको लिखेंगे चेंज करके। अब देखो ये टर्म e की पावर 2x dx ये बन जाएगा dt टी बाई 2। तो देखो ये हो गया इंटीग्रल e की पावर 4x अपॉन, ये हो गया t और देखो ये हो गया dt टी बाई 2, है ना। अब देखो यहाँ पर ये 1/2 बाहर ले लो, अब देखो e की पावर 4x बचा, है ना, e की पावर 4x, जिसकी वैल्यू हमें t के टर्म में लिखनी पड़ेगी। देखो कैसे लिखेंगे, e की पावर 4x हो जाएगा e की पावर 2x का होल स्क्वायर, बोलो, ठीक है ना, ऐसा लिख सकते हैं, e की पावर 2x का होल स्क्वायर इसको लिख सकते हैं, है ना, बोलो, क्योंकि पावर पे पावर हमेशा क्या होती है, मल्टीप्लाई। अब e की पावर 2x देखो क्या है, ये है t माइनस 1 का होल स्क्वायर, है ना। देखो e की पावर 2x की वैल्यू t माइनस 1, ठीक है, तो देखो 1/2 बाहर आया, इसकी वैल्यू हो गई t माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन t और dt, बोलो, ठीक बात है ना, ऐसा लिख सकते हैं इसको, है ना। ठीक है, देखो अब ये 1/2 बाहर है, ये होल स्क्वायर है, तो टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2t और डिवाइड बाई टी डी टी। अब देखो 1/2 बाहर है, अलग अलग करो, टी स्क्वायर बाई टी तो टी बचेगा, फिर 1/t बचेगा और माइनस 2 बचेगा और टी टी बचेगा, ध्यान दो, है ना, सेपरेट किया, टी स्क्वायर बाई टू अलग, 1/t अलग और ये देखो 2। देखो 1/2 बाहर है, t का इंटीग्रेशन हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2 और 1/t का इंटीग्रेशन हो जाएगा क्या, बोलो, log ऑफ mod t और 2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 2t और प्लस c, है ना, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, काफ़ी इजी है, बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरह हमने LCM लिया, ठीक है, e की पावर 2x प्लस 1 को t मान लिया, तो e की पावर 2x dx की देखो वैल्यू यहाँ से आ गई dt बाई 2, e की पावर 6x को ऐसे लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि हम e की पावर 2x dx की वैल्यू यहाँ से लिख पाएंगे, और इसको t ले लिया, e की पावर 4x बचा है, उसकी वैल्यू देखो यहाँ से हमने रखी, और उसके बाद सबको अलग अलग करेंगे तो हमें अपने क्वेश्चन का देखो यहाँ से आंसर मिलेगा। ठीक है, ऐसे। अच्छा, अब देखो जो तीसरा क्वेश्चन है ये फर्स्ट सेकंड दोनों का कॉम्बिनेशन है। देखो कैसे, इस तीसरे क्वेश्चन को देखो हम अलग अलग करके ऐसे लिख सकते हैं, e की पावर 3x अपॉन e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x dx और प्लस
ई की पावर 5x अपॉन ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स, है ना। जो तीसरा क्वेश्चन है इसको देखो, हम दिस अपॉन दिस और दिस अपॉन दिस दो पार्ट में लिख सकते हैं, ध्यान दो, है ना। बोलो भाई। अब देखो ये हमारा पहला क्वेश्चन है जो भी हमने किया, और ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है जो भी हमने किया। तो कुछ सेकंड क्वेश्चन तो अभी हमने किया और पहला क्वेश्चन मैंने बताया था बिल्कुल ऊपर यही है। तो ये दो क्वेश्चन का एक्चुअली समीशन है, इसे डायरेक्ट नहीं किया जा सकता बिना अलग अलग किए। इसे अगर आप डायरेक्ट करना चाहेंगे तो देखो ये क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं होगा, है ना। ये दो क्वेश्चंस का देखो यहाँ पर कॉम्बिनेशन है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं किया जा सकता, तो इसको अलग अलग करके देखो हमें यहाँ पर करना पड़ेगा, ठीक है। तो लिखो ज़रा इसको, फिर मैं आपको कुछ और इम्पोर्टेंट कौन से बताता हूँ। देखो अभी